Hello friends, this is Narru. Welcome back to my channel Narru's Auto Blog. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरू जॉट ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेरिएंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो टाटा नेक्सॉन, लेकिन आप क्विकली ये नहीं बता सकते हो कि ये कौन सी वेरियंट है। टाटा नेक्सॉन का रियर प्रोफाइल आप देख पा रहे हो, नेक्सॉन की ब्रांडिंग के अलावा यहाँ पे कोई भी वेरियंट की बैजिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। BS4 में यहाँ पे टाटा की सभी गाड़ियों में वेरियंट की बैजिंग टेल गेट के राइट साइड प्रोवाइड किया गया था। यही नहीं दोस्तों, मारुति सुजुकी भी पहले अपने सभी गाड़ियों में टेल गेट के राइट साइड वेरिएंट की बैजिंग दिया करता था, अब वो यहाँ पे गायब है। आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी वेरिएंट है। अब आप रिसेंटली लॉन्च हुए मिनी एसयूवी टाटा पंच को ही देख लीजिए, इसमें इतने सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन आपको ये जज नहीं होगा एक नज़र में कि कौन सी वेरिएंट है। टेल गेट पे पंच की ब्रांडिंग के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया है, और पंच में तो इतने सारे वेरिएंट है। आप देख पा रहे हो ये है प्योर रिदम वेरिएंट, लेकिन ये बेस वेरिएंट भी लगता है, आप जज नहीं कर सकते कौन सी वेरिएंट है। और यहाँ पे एडवेंचर वेरिएंट आप देख पा रहे हो, फ्रंट प्रोफाइल से आप ये बेस वेरिएंट ही आप इसको देख पा रहे होंगे, लेकिन ये है एडवेंचर वेरिएंट। इसी तरह टाटा मोटर की एंट्री लेवल हैचबैक टिएगो में भी टेल गेट पे केवल टिएगो की ब्रांडिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग आपको नहीं दिया गया है। इसी तरह कॉम्पैक्ट सेडान टाटा टिगोर में भी आप देख पा रहे हो टेल गेट के राइट साइड यहाँ पे कोई भी वेरिएंट की बैजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, टाटा सफारी और टाटा हैरियर के टेल गेट पे भी वेरिएंट की बैजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कैसे जज कर पाओगे कि ये कौन सी वेरिएंट है? चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाटा पंच एकॉम्प्लिस्ट वेरिएंट व्हाइट वाली, और यहाँ पे ग्रे वाली है टाटा पंच एकॉम्प्लिस्ट टेजल पैक। इन्हें एग्जैक्ट आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे आपको बताता हूँ मैं, कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो विंडशील्ड के लेफ्ट साइड स्टिकर दिया गया है ओके, जहाँ पे लिखा हुआ उसके जस्ट नीचे पंच एसीसी 1.2 पेट्रोल एमटी वेरिएंट, यानी कि ये पंच एकॉम्प्लिस्ड मैनुअल वेरिएंट है। इसके अलावा सेकंड वेरिएंट की अगर हम बात करें तो विंडशील्ड के लेफ्ट साइड ओके का स्टिकर, देन पंच एकॉम्प्लिस्ड 1.2 पेट्रोल BS6 मैनुअल वेरिएंट, और उसके बाद लिखा हुआ DZ यानी डीजल पैक। इससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी वेरिएंट है। ये थी दोस्तों टाटा की कारों में वेरिएंट आइडेंटिफाई करने का सॉलिड तरीका। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट राइड्स वर्कराउंड्स कंपैरिजन एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।